दर्शकों का स्वागत है। राहुल ने ली शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड की संसद के रूप में सोमवार शाम को लोकसभा में शपथ ली। सुबह 11 बजे तक संसद प्रारंभ हुआ तो वो संसद में नहीं थे, जबकि उनकी माँ सोनिया गांधी पहले पंकित में अपनी पुरानी जगह में बैठी हुई थी। कमेटी में उन्हें हारने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब शपथ ले चुकी थी तो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सवाल उछाला, कहा कि राहुल गांधी मीडिया में उनकी अनुपस्थिति की खबरें काफी चलने लगी थी। वैसे पार्टी के भीतर यह सूचना पहले से ही थी, वे दोपहर बाद लोकसभा में आकर संसद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी लज कर सदन में थे लेकिन के बाद वह नहीं आए। तब अध्यक्ष की संसद पर शरद सिंह बैठे हुए थे। कांग्रेस ने शपथ लेने के बाद जब राहुल चलने लगे तो सचिवालय के कर्मचारी ने उन्हें रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने का याद दिलाया। गडकरी धोत्रे हिंदी में बोले, महाराष्ट्र के विदर्भ से निवांचित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और संजय धोत्रे ने हिंदी में शपथ ली, जबकि शिवसेना के अरविंद राव साहेब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राव दावने ने मराठी में ली। सावन की जैकेट के ऊपर पैकेट में पर्याने दिल की जगह शिवसेना का चेहरा तीर धनुष बना हुआ था। राज्य के ज्यादातर सदस्यों ने मराठी में शपथ ली, जबकि गोपाल शेट्टी, पूनम महाजन व हिना गवित ने हिंदी और गिरीश बापट व उमेश पाटिल ने संस्कृत में, रंग का नेता सुप्रिया सुले ने हिंदी में और सुनील ताटके व भगवा कुर्ता पहने अमूल कोल्हे ने मराठी में शपथ ली थी। संसद में मोदी मोदी के नारे, सोनिया ने आते समय ही संसद में खामोशी, इन्हें कहते हैं शक्ति और भाग्य का खेल। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन बैठक शुरू होने के तय समय 11 बजे से 5 मिनट पहले एक साथी आमने सामने के दरवाजे से पहले 20 वर्ष तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और फिर कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भीतर प्रवेश किया। संपन्न की 10 वर्ष की सप्ताह में दिनों में भारत की सर्वशक्तिशाली माने जाने वाली सोनिया के आते समय एकदम खामोशी थी, और जैसे ही भाजपा संसद ने मोदी को देखा तो भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। कम से कम एक मिनट तक गूंज रहे थे। आम तौर पर आम सभाओं में ऐसे नारे लगते रहते हैं और संसद के भीतर उन्हें नहीं सुनाया जाता था। ट्रांस के अवसर नफे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रांस ने अपने एक इंस्टीट्यूट के दौरान व्हाइट हाउस के चीफ खांसी आने के चलते ओवल ऑफिस के बाहर जाने को कह दिया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस वक्त कमरे में मौजूद मिक मुलवाने को खांसी आने लगी जो कैमरे में नहीं दिख रही, पर ट्रंप ने एक बार तो उनको नजरअंदाज किया लेकिन फिर खांसी आने पर और वहाँ से बाहर निकलने के लिए कह दिया। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।